बांधवगढ़ से संजय डुबरी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट 2 घंटे की दूरी पे था और मेरा वहां जाने का रीजन था मौसी माँ की कहानी, जो वर्तमान में 6 बच्चों को संभाल रही है। तो कहानी ऐसी थी कि कमली नाम की टाइगरेस बांधवगढ़ से संजय डुबरी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कुछ साल पहले आई थी और उसके पहले लिटर में उसको गौरी नाम की फीमेल हुई। गौरी जब बड़ी हुई तो उसने 4 बच्चों को जन्म दिया, उसमें से 2 मेल थे और 2 फीमेल थे। एक मेल बच्चा मर गया और बाद में गौरी का रेल एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो गौरी के जो 3 बच्चे थे वो जंगल में अकेले भटक रहे थे और वो भूखे थे, तो डिपार्टमेंट ने उनको मदद करने की कोशिश की पर वो डरते थे। धीरे धीरे वो अपनी मौसी के एरिया में गए और तब मौसी को 3 बच्चे थे, उसमें भी मौसी ने अपने बहन के बच्चों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऐसी कहानी मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं संजय डुबरी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट गया। बड़ी कोशिश के बाद मौसी माँ के 3 बच्चों को मैं देख सका। उनको देख के ऐसा लगा कि नेचर हमें कई सालों से कुछ ना कुछ सिखाता आ रहा है, सिर्फ हमें आंखें खोल के उसे देखने की जरूरत है।